नमस्कार, इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में एक ट्रेंड तो देखने को मिल गया है और वो ट्रेंड ये है, और बहुत क्लियरली ये ट्रेंड है कि अब बिल्कुल एक तरफा नफरती बोल शायद उस तरीके का प्रभाव नहीं देते हैं जिस तरीके का प्रभाव एक वक्त में होता था। यानी कि नफरती प्रयोगों के परिणाम उस तरीके के नहीं आ रहे हैं। कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स शायद नफरती बोल में लगता हुआ दिख रहा था, लेकिन फिर भी ऐसे लगता है कि दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अभी ये बात पूरी तरीके से शायद समझ नहीं पाए हैं, और अभी भी उनको ये लगता है कि कुछ रेजिडुअल बेनिफिट्स हैं हिंदू मुसलमान की राजनीति हर मुद्दे पर करने में। और इससे जुड़ी हुई एक हरकत, मैं तो इस शब्द का प्रयोग करूंगा, हरकत की है भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो पहले आम आदमी पार्टी में थे, उनका नाम है कपिल मिश्रा। आप जानते हैं कि ये इस तरीके के एक सज्जन हैं जो कि इससे पहले भी तमाम बयान दे चुके हैं। आपको याद होगा दिल्ली का चुनाव 2020 का, जिसमें इन्होंने दिल्ली के कुछ कोनों को पाकिस्तान बोल दिया था। दिल्ली के दंगों के दौरान इनकी कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही थी जिसमें ये बहुत ओपनली दिख रहे थे बात बोलते हुए, और वो भी पुलिस की मौजूदगी में, जिसको भड़काऊ भाषण की श्रेणी में रखा गया था। जांच और विचाराधीन वो मामला था, लेकिन ऐसे लगता नहीं है कि कपिल मिश्रा जैसे लोग अपनी हरकत से बाज आए हैं, क्योंकि अब उन्होंने जो नई बात करी है वो ये है कि दिल्ली में जो अभी किल्लत हो रही है पानी की, जो भाजपा शासित हरियाणा से जो पानी मांग रहे हैं कि आप वो पानी मुहैया करा दें, उस दिल्ली की पानी की क्राइसिस के लिए भी कपिल मिश्रा ने हिंदू मुसलमान कर दिया है। उन्होंने एक आरोप लगाया है कि हिंदू पानी बनाम मुस्लिम पानी दिल्ली में हो गया। आप सोचिए, मतलब किस तरीके की बात है। दिल्ली में अब कितनी और नफरत फैलाई जाएगी, सबसे बड़ा तो सवाल यही है। तो उनका एक ट्वीट था जिसमें वो लिखते हैं, दिल्ली में पानी के भयानक संकट का सबसे बड़ा कारण जानकर आप चौंक जाएंगे, हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई की जा रही है। एक्स्ट्रा सप्लाई, हिंदुओं को लोकसभा में मोदी को वोट देने की सजा दी जा रही है। दिल्ली में 7 में से 7 बीजेपी हुए। यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर, जाफराबाद और सीमापुरी में भेजा जा रहा है। आईपी एक्सटेंशन का पानी अल्लाह कॉलोनी को दिया जा रहा है। राजेंद्र नगर, करोल बाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद, मटिया महल को दिया जा रहा है। बकरीद पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के बहाने ये पानी डाइवर्ट किया गया है। धर्म के आधार पर जल बोर्ड के पानी का वितरण तुरंत रुकना चाहिए। कपिल मिश्रा, आदरणीय कपिल मिश्रा जी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल। दिल्ली में जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जब एक अध्यादेश ला करके दिल्ली के माई बाप को एलजी बना दिया गया था, मतलब एलजी जो है वो दिल्ली के माई बाप हो गए थे, मतलब सब कुछ जो है वो अब एलजी के थ्रू हो रहा है, तो ऐसे में आप ये जानते हैं, और कपिल मिश्रा तो मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे, कि दिल्ली में जो भी निर्णय होता है, कोई भी सरकारी निर्णय होता है, उसको कमीशन करने का और रोकने का पूरा पूरा हक, इट लैंड्स ऑन द टेबल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर माननीय सक्सेना जी। दिल्ली जल बोर्ड की भी रिपोर्टिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर सक्सेना जी के पास। लेफ्टिनेंट गवर्नर केंद्र के एक प्रतिनिधि हैं जो कि दिल्ली में शासन कर रहे हैं। तो दिल्ली की सरकार, ये पूरी लड़ाई ही कोर्ट में, अगर आपको याद हो, यही थी ना लड़ाई, यही थी कि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम लोग मतलब क्या करें। अदालत में गए, अदालत ने बताया नहीं भाई, दिल्ली की सरकार के अपने मायने हैं। और उसके बाद फिर केंद्र सरकार अध्यादेश लाई जिसके बाद एलजी सर्वे सर्वा हो गए। तो एलजी सर्वे सर्वा इस फैसले के भी हैं, यानी कि कपिल मिश्रा ने आज बीजेपी, केंद्र सरकार और एलजी
पर सीधे सीधे आरोप लगाए हैं कि हिंदू बहुल इलाकों का पानी रोक करके एलजी साहब और दिल्ली और केंद्र सरकार मुस्लिम इलाकों में एक्स्ट्रा सप्लाई कर रही है मुस्लिम इलाकों में। कौन? एलजी द्वारा शासित दिल्ली यानी कि केंद्र सरकार। हिंदू बहुल इलाकों में पानी रोककर मुस्लिम इलाकों में पानी दिया जा रहा है, एलजी पर आरोप लगा दिया है कपिल मिश्रा। हिंदुओं को लोकसभा में मोदी को वोट देने की सजा दी जा रही, यानी कि एलजी साहब दिल्ली के हिंदुओं को सजा दे रहे हैं। यमुना विहार, मौजपुर, गोकुलपुरी का पानी, सबसे पहली बात यमुना विहार, मौजपुर और गोकुलपुरी में भी मुस्लिम आबादी रहती है ना कपिल मिश्रा जी? यदि आपसे अगर कुछ त्रुटि हो गई हो तो हम आपको ये बता दें, दिल्ली तो थोड़ी बहुत हमने भी पढ़ी है। और सीलमपुर, जाफराबाद और सीमापुरी में पानी भेजा जा रहा है, वो ये कह रहे हैं। तो सीलमपुर, जाफराबाद और सीमापुरी में भी हिंदू रहते हैं, मिक्स पॉपुलेशन के इलाके हैं, हो सकता है थोड़ा 19-20 हो लेकिन मिक्स पॉपुलेशन। एक तो थ्योरी ये गलत, दूसरी चीज आप ये कह रहे हैं कि एलजी साहब ने यमुना विहार, मौजपुर और गोकुलपुरी का पानी सीलमपुर, जाफराबाद और सीमापुरी में भेज दिया है क्योंकि वो मुस्लिम्स को फेवर करना चाहते हैं। एलजी साहब, केंद्र सरकार मुस्लिमों को फेवर करना चाह रही है। आईपी एक्सटेंशन का पानी अल्लाह कॉलोनी को एलजी साहब भेज रहे हैं, केंद्र सरकार भेज रही है। राजेंद्र नगर, करोलबाग, आनंद पर्वत का पानी जामा मस्जिद और मटिया महल को एलजी साहब भेज रहे हैं, केंद्र सरकार भेज रही है। तो बहुत तगड़ा एक्सपोजर कर दिया कपिल मिश्रा जी ने, मतलब बीजेपी पर तो आपने बहुत बड़ा एक्सपोजर कर दिया कपिल जी। ये तो बहुत बड़े सवाल अब पूछने चाहिए विपक्ष को, समूचे विपक्ष को, कि ये मुस्लिम अपीजमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में क्यों कर रहे हैं, मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति पानी में लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों कर रहे हैं। ये तो कपिल मिश्रा ने बहुत बड़ी बात कर दी, मेरे ख्याल से तो इस पर बात होनी चाहिए। ये तो बीजेपी में फूट वाला काम हो गया आर्गुमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बकरीद पर अतिरिक्त पानी की व्यवस्था करने के बहाने ये पानी डाइवर्ट किया जा रहा है, यानी कि एलजी साहब जो हैं वो बकरीद के लिए मुसलमानों को फेवर कर रहे हैं हिंदुओं के मुकाबले। अरे बाप रे, इतना गंभीर आरोप कपिल मिश्रा जी ने लगा दिया। अब एलजी साहब क्या जवाब देंगे इसका, क्योंकि सर्वे सर्वा तो वही है, रिपोर्टिंग अथॉरिटी तो वही है। धर्म के आधार पर जल बोर्ड के पानी का वितरण तुरंत रुकना चाहिए। एलजी साहब, कपिल मिश्रा क्या कह रहे हैं आप, धर्म के आधार पर पानी बांट रहे हैं, आपके रहते हुए आपकी छत्र छाया में कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि आप जो है वो एक धर्म और एक समुदाय को आगे बढ़ा रहे हैं। नफरती प्रयोग, बंद दिमाग से किए हुए नफरती प्रयोग और किसी भी किस्म के नफरती प्रयोग को कुछ हद तक लेकर के जाना जहां पर वो सिर्फ और सिर्फ नियत के चलते सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के लिए है, वो कितने फूहड़ हो सकते हैं, ये बयान उनमें से एक है। ये साफ हो गया है कि पानी जैसी चीज में भी हिंदू और मुसलमान करके वोट बैंक और कुछ लोगों को बरगलाने का प्रयास करने की कोशिश कपिल मिश्रा कर रहे हैं। अब पॉइंट ये है कि क्या ये बात दिल्ली को समझ में आ रही है, क्या दिल्ली की जनता को ये समझ में आ रहा है कि क्या होगा। चुनाव के नतीजों में तो ऐसा लगा था कि अब तक कुछ सुध ले ली जाएगी या ये समझ में आ जाएगा कि नफरती प्रयोग में पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, यानी कि हर बार वो फार्मूला नहीं चलता है। लेकिन कपिल मिश्रा का बड़बोलापन क्या बीजेपी को और नुकसान पहुंचा सकता है, ये कैसी बात बोल गए वो, और क्या केंद्रीय नेतृत्व ऐसी बात उनको बोलने देगा, या कपिल मिश्रा जैसे लोगों को जो कि हार्डकोर बीजेपी और संघ बैकग्राउंड के भी नहीं, आम आदमी पार्टी में थे, नए नए आए हैं, ताजे ताजे न्यू रिक्रूट हैं, क्या इनको इस तरीके से बोलने दिया जाएगा? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं उनको संरक्षण प्राप्त। दिल्ली का पानी दिल्ली के लोगों का है, ना दिल्ली के हिंदुओं का है, ना दिल्ली के मुसलमानों का है, ये पानी सबका है। तो इशारों इशारों में बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। नफरत बंद कीजिए, तब तक के लिए